हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो एंड दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ IBPS SO 2021-22। नोटिफिकेशन आउट, आपकी प्रिपरेशन स्टार्टेड और फिर से वही सवाल, किस तकलीफ करें हमें एग्जाम, करेक्ट। सी, इन दिस वीडियो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं अभी बता के रखता हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके मेरे IBPS SO की सारे वीडियोस देखिए, ठीक है। उसमें भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को, कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगा। तो मैं इसमें आपको कुछ एक अलग पॉइंट भी बता सकूं, जिससे आपको इस एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करना बेहद आसान होगा। लेट मी टेल यू, इस वीडियो में मैं सिर्फ प्रीलिम के बारे में बात करूँगा, क्योंकि लोग मेंस पे इतना फोकस करते हैं कि उनका प्री क्लियर नहीं होता तो मेंस तो ऑब्वियसली आप क्वालिफाई नहीं हो पाओगे। ओके, सबसे पहले समझिए, आप IBPS के लिए जब जा रहे हो तो आप समझिए कि आपको किस तरीके से क्लियर करना है, ठीक है। मतलब किस तरीके से आपको पास होना है। तो आप बोलोगे यार अच्छे मार्क्स से पास होना है, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन क्या आपके तीनों सेक्शन अच्छे हैं? बी हॉनेस्ट, आपका नहीं, हर एक का प्रॉब्लम है। तीनों सेक्शन में मास्टरी नहीं होती, होती है तो सुभान अल्लाह, तो मैं आपको बोला आपका वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, टू बी वेरी हॉनेस्ट। लेकिन क्या होता है, जनरली स्टूडेंट्स को रीजनिंग पसंद आता है, फिर इंग्लिश और मैथ्स में तो यार अभी भी कोल्ड वॉर है कि सर सेकंड प्रेफरेंस किसको दे, और शायद मैथ्स लास्ट, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए हम लोग ऐसा पकड़ के चलते हैं कि आपको रीजनिंग सबसे ज़्यादा कंपैरेटिव बेटर लगता है, ठीक है। लेकिन मैं पूछता हूँ कितना बेटर लगता है आपको, 50 में से कितने निकाल सकते हो? ये मत पूछना पजल का लेवल क्या है, मशीन इनपुट आउटपुट आया नहीं आया, ओवरऑल करके बताओ क्या अच्छे 30s में आप स्कोर पर पाओगे, इनपुट 30s से 35 और एनीथिंग अबाउ। अगर नहीं कर पा रहे हो तो पहले इस चीज़ पे फोकस करो कि क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि अगर आपको रीजनिंग पसंद है तो जाहिर सी बात है आपका इंग्लिश और मैथ्स अगर थोड़ा सा वीक है तो आप उसमें कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली स्किप करोगे, आपको नहीं आएंगे। तो आपको अगर पता है जिस एरिया में आप कम करने वाले हो, ठीक है, मतलब सेक्शनल कट ऑफ तो आप कर लोगे, लेकिन ओवरऑल कट ऑफ के लिए आपको पुश करने के लिए कोई सेक्शन है तो वो होगा आपका लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। दूसरी चीज़, लास्ट ईयर की कट ऑफ चेक करो अपनी कैटेगरी के हिसाब से, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। अभी जैसे IT का और HR का जनरली ज़्यादा होता है, 75 और 63 समथिंग, ठीक है। अगर आपने लास्ट ईयर के वीडियोस देखे तो मैंने हमेशा कहा था कि आप जब मॉक टेस्ट दो किसी भी वेबसाइट से, किसी भी पोर्टल से, तो 75 के करीब तक रखना अपने मार्क्स, ठीक है। मुझे पता है ये कहना आसान होता है लेकिन करना मुश्किल होता है, लेकिन क्या होता है ना कि जो क्लियर करते हैं ये एग्ज़ाम प्री और जो नहीं करते, इनमें ना एक ही वर्ड में अगर डिफरेंस बोलूँ तो क्या बताए, कंसिस्टेंसी। आपको एक पजल आता है, फिर दूसरा नहीं आता है, फिर तीसरा आता है, फिर चौथा नहीं आता है, ठीक है। चलो एक आध बात मैं समझ सकता हूँ, बट एवरी टाइम इट इज़ हैपनिंग, तो आप कंसिस्टेंट नहीं हो। आप खेलने जाओगे, आज जीतोगे कल नहीं जीतोगे, तो उससे अच्छा अपने परफॉर्मेंस से पहले काम करो। क्यों? क्योंकि कट ऑफ तो फिर से वही आया जो मैंने कहा था, और उसी रेंज में जो HR वाले स्पेशली बच्चे, उसी रेंज में आया 60s में कट ऑफ। एंड लेट मी टेल यू, कट ऑफ एक चीज़ होती है, आई अंडरस्टैंड, बट आपकी प्रिपरेशंस कैसी है वो बहुत मैटर करता है। स्पेशली IT वाला कोई बंदा देख रहा है तो आपकी कट ऑफ जनरली हाई है, ठीक है। तो आपकी कट ऑफ अगर हाई जाती है तो आपको उसी के हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड टॉकिंग अबाउट दिस थिंग्स लाइक सेक्शन वाइज रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश, देखो इंग्लिश की अगर बात करें तो सबसे पहले एक चीज़ आपको करनी है, वो है ग्रामर। सबसे ये मैंने बहुत बार कहा है, बहुत सारे वीडियोज में कहा है, दिस इज गोइंग टू द कोर थिंग। बिकॉज क्या होता है कि इंग्लिश में कुछ भी चीज़ आप करो वो आपको ग्रामर से ही जुड़ी है। आपने सेंटेंस करेक्शन किया, रॉन्ग गया, फिर देखा हैव के जगह पे हैज़ आता है, ठीक है, तो आपने चेक किया, लेकिन भाई वो हैज़ क्यों आता है? तो एक्सप्लेनेशन में वो फलाना ढिमकाना आपको एक्सप्लेनेशन देंगे, इसका मतलब आपने वो ग्रामेटिकल चीज़ पढ़ी। इसके लिए जो मैंने वीडियोज़ में आपको किए, ब्रेनन मार्टिन अदर बुक्स, उनसे पढ़ो, ठीक है। अब आप बोलोगे इतना टाइम नहीं है, कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ो, साथ ही साथ आप सॉल्व भी करो, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ आप ग्रामर अपना अच्छा करोगे तो ही आपके मार्क्स होंगे। क्योंकि देखो इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है, आए तो सब कुछ आएगा वरना कुछ भी नहीं आएगा,
ठीक है। देखो एक आध बार वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आता है, आई अंडरस्टैंड, ठीक है, तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन ग्रामेटिकल की वजह से अगर आप एरर करते हो तो कहीं ना कहीं वो बहुत लगता है कि आपको सब पता है लेकिन ग्रामर इसका पता नहीं है। इसके लिए जो ये जो चीज़ें होती है ना, सेंटेंस एरर या फिलर्स कहो, इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और देखो प्रैक्टिस पे मैं इतना फोकस नहीं करूँगा क्योंकि सिंपल भाषा है, मैं बताऊँ कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस दिन रात चाहिए। आपने कोरोना में 2 साल बिताए हैं, घर बैठ बैठ के दिमाग ख़राब हो गया है। अनफॉर्चुनेटली सम पीपल हैव लॉस्ट सम वन इन दिस पर्टिकुलर पीरियड, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने ऐसी स्टोरी शेयर की कि अभी वो घर पे ऐसे बंदे हैं कि उन पे ही पूरा घर डिपेंड है और अभी वो जॉब ढूंढ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आपके पास वैसा रीज़न हो या ना भी हो, लेकिन इस एग्ज़ाम को क्रैक करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूँ कि मैं इस एग्ज़ाम को अलग क्यों करता हूँ, क्योंकि आप जब मेंस में जाते हो तो फिर से यही मसला नहीं है, ये रीजनिंग मैथ्स इंग्लिश फिर से नहीं है, सीधा आपका पेपर है जिसमें आपने MBA किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन जिसमें किया है उसी का वो आपका सब्जेक्ट रहेगा। तो एक ही बार वो प्रीलिम में आपको सब्जेक्ट संभालने हैं, जाहिर सी बात है वो भी कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करेंगे, ना नहीं बोलता हूँ, लेकिन कुछ कुछ DI PO मेंस में आप देखते हो उसमें ऐसा हो जाए कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता ये DI है क्या, कैसे सॉल्व करना है। तो आप नहीं चाहते कि आप अपने आप को उस सिचुएशन में लाओ। नाउ टॉकिंग अबाउट द मैथ्स, देखो मैथ्स में कैलकुलेशंस मैटर, वो तो है, स्क्वायर टेबल्स फलाना टिमका मदिन आपके क्यूब स्क्वायर वो तो मैटर करती है, बट आप किस तरीके से मैथ्स को अप्रोच करते हो। देखो अगर मेरी राय लो किसी भी एग्ज़ाम में मैथ्स के लिए, आप जो 5 मार्क्स के डायरेक्ट वेटेज वाले आते हैं उनको पहले अटेम्प्ट करो, ठीक है। जैसे कि मान लो सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन, इन दोनों में से कोई मुझे एक एक्सेप्टेड है, दोनों तो नहीं आएंगे जहाँ तक SO की बात करूँ। नंबर अगर किस्मत थोड़ी अच्छी रही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो 5 out of 5 जाने ही चाहिए, हालांकि पहले वाले भी जाने चाहिए, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थोड़े जल्दी होते हैं। देन यू कैन कम टू दिस थिंग्स अपना DI, ठीक है। अभी एक चीज़ होती है, DI पहले क्यों नहीं बोला, बिकॉज DI में देखो अगर आप रुक गए ना तो वो 5 मार्क्स या 6 मार्क्स के लिए आपकी गाड़ी रुकी हुई है, और जो अच्छा मटेरियल पड़ा हुआ है सीरीज़ का क्वाड्रेटिक का, आप बेवजह उसको अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे। ऑलवेज रिमेंबर, जो सबसे पहले आता है और कम टाइम में आता है उसको ही आपको सबसे पहले करना है, ओके। और DI में देखो टैबुलर वाले उनके ज़्यादा फेमस है, ठीक है, ज़्यादातर वो लोग पूछते हैं। एक कैसलेट DI का पैटर्न शुरू है, ठीक है, तो कैसलेट DI की मैं कहूँगा सबसे पहले प्रैक्टिस करो। आप टैबुलर से भी कर सकते हो, लेकिन कैसलेट DI एक ऐसा DI, अगर आपने शुरू में उसको जज नहीं किया तो आगे जो भी आप फॉर्मुलेट करते जाओगे, अमाउंट निकालते जाओगे, हो सकता है आपकी वो कम्प्लीटली रॉन्ग जाए। तो कैसलेट DI की प्रैक्टिस मेरे हिसाब से डेली के एक या दो करो डेफिनेटली, ताकि आप रेगुलरली उससे आप यूज टू रहो, ओके। और देखो कैसा होता है ना कि आपको कहीं ना कहीं आपको पता है कि मैथ्स में लिमिटेशंस है, ठीक है, और ये हो गया 5 मार्क के क्वेश्चन हो गए, DI हो गया। इसके बाद एक बड़ा आता है मिसलेनियस क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं, जिसमें ये वर्ड प्रॉब्लम्स रहते हैं, ये रेशियो परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस बोट्स एंड स्ट्रीम टाइम एंड वर्क वाला डिमकाना। अब मैं एक बात बोलूँ, मैं भी नहीं करता ये पूरे, बहुत बोर होता है, सच्ची बोलता हूँ। आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ एज अ स्टूडेंट, क्योंकि अगर मैं सिर्फ टीचर की तरह बात करूँ तो मैं बोलूँगा 50 में से 50 लाओ, तो दैट वोंट बी फेयर, आपके पास टाइम इतना होता नहीं है। तो सब नहीं होता, अगर मैं जा रहा हूँ ना तो मैं इनमें से अगर मैं पिक करूँ तो मैं एवरेज प्रॉब्लम ऑन एजेस परसेंटेज रेशियो, बिकॉज ये DI के लिए वैसे भी काम में आते हैं, प्रोबेबिलिटी फेवर में रहा तो, और एक हाथ दूसरा टाइम एंड वर्क दिख गया तो, ठीक है। अब मैं आगे भी बोल सकता था सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन फिर तो सारे चैप्टर हो जाएंगे, तो मतलब नहीं है। हाँ, टाइम मिला तो एक एक बढ़ेगा, बट ये मेरी प्रायोरिटी होगी, ठीक है, क्योंकि मैं सी आई विल टेल यू व्हाट आई डू। नंबर सीरीज के मैं 2-3 कम से कम क्वेश्चन में मेंटली करता हूँ, आपको ऐसे प्रिपेयर करना है, होते हैं क्योंकि आप इस तरीके से अगर प्रिपेयर करोगे तो डेफिनेटली आपके वो थोड़े थोड़े सेकेंड्स मिनट बचेगा, और आपको इस केस में करना है। DI में तो आप वैसे भी सॉल्व करते हो, तो जिसमें बचा सकते हो वहाँ पे बचाओ। क्वाड्रेटिक एक ऐसा सेक्शन है जो आपका बहुत जल्दी हो सकता है कि आप x और y की वैल्यूज शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करके कंपेयर करके फटाफट कर सकते हो। और मैथ्स में आपको क्या करो, कैसे भी करके आपको स्टेप्स कम करने हैं, स्कूल में जो स्टेप्स किए ना वैसे मत करना,
ये 12-12 स्टेप्स के आंसर, उसके बाद x इज इक्वल टू 5, नहीं, उसको कम करो, 4 या 5 स्टेप में निकालना सीखो। इसके लिए कहते हैं मेंटल मैथ आपको आना चाहिए, प्रैक्टिस उसी तरीके से रखो, बिकॉज इवेंचुअली ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आपको मैटर करने वाले हैं। बिकॉज स्टूडेंट्स एक पॉइंट पे बड़ा बौखला जाता है हर एग्जाम में, वो होता है सर वैकेंसीज कम है। आपको एक बात बोलूँ, मुझे पहले से पता था वैकेंसीज कम है, अभी कुछ नया नहीं है। आप बोलोगे HR में 1000 वैकेंसीज है, वाह ऐसी कुछ बात करो, मुझे भी थोड़ा सरप्राइज लगा ना, HR में 1000 कुछ ज़्यादा हो गया। हालांकि जो अभी निकले वैकेंसीज वो देख के भी मैं सरप्राइज हुआ था, मुझे उतने की भी उम्मीद नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो निकले अभी HR में वैकेंसीज। तो आपको वैकेंसी से डरो थोड़ा, लेकिन पूरा दिन उसका ही दिमाग में घुमा के मत बैठो। आप अपने आप को पूछो आपकी प्रिपरेशन है क्या, पहले प्रिपरेशन बनाओ, स्कोर करो, एंड देन यू सी व्हाट हैपेंस। बिकॉज मैंने पहले ही कहा है ये एग्ज़ाम को मैं अलग रखता हूँ, आप भी अलग रखो बाकी के कंपेयर से। मेंस में गेम बदल जाता है, पढ़ना हर जगह है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग लेवल से पढ़ सकते हो आप। ओके, नाउ रीजनिंग, देखो रीजनिंग में ये ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, डायरेक्शंस, छोटे मोटे चैप्टर्स जो है ना, ये कोडिंग डिकोडिंग वगैरह, हाँ ये वाले सारे आप लोग पहले ख़त्म करोगे। अब बचते बड़े चैप्टर, मशीन इनपुट आउटपुट या पजल्स। ठीक है, देखो लास्ट ईयर का पैटर्न आपको दूँ तो लगभग जैसे एक्सपेक्टेड था, 4 से 5 पजल्स थे। ठीक है, मंथ पजल, फ्लोर पजल, जिसमें रो में 10 पीपल थे, पैरेलल सर्कल इनवर्ड आउटवर्ड था, डेटा सफिशिएंसी 5 थे, इनपुट आउटपुट थे। और अभी इसमें से स्टूडेंट्स ने बताया ये डिफ़िकल्ट वो डिफ़िकल्ट। देखो जाहिर सी बात है 5 पजल्स है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको 5 करने हैं। आप गेम को पहले समझो, आपको उनमें से मैं तुमको 3 होने चाहिए, कौन से 3 डिपेंड करते हैं लेवल पे। और अभी आप बोलोगे सर फिर ये कैसे करें, इसके लिए कहते हैं कंसिस्टेंसी, जिसकी प्रैक्टिस और आपका एनालिसिस इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आपको पता लगना चाहिए वाइल सॉल्विंग और वाइल एनालिसिंग कौन सा टफ है कौन सा नहीं है। मैं आपको 2-3 पजल बता के रखता हूँ जिसकी पजल आप करते रहो, मतलब सारों के ही कर रहे हो मंथ पजल वगैरह पे, लेकिन मैं कुछ अनयूजुअल चीज़ों के बारे में बात करूँगा। देखो फ्लोर पजल सब करते हैं कि 8 फ्लोर पे 8 लोग हैं वगैरह, लेकिन उसमें अगर मैं वैकेंट पोजीशन डाल दूँ, अभी हाल ही में मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे खेला था तो 1-2 लोगों को प्रॉब्लम हुई, क्योंकि ये सडनली आ गया, यानी कि आपकी रडार में अब ये नहीं था और आपने टाइमर लगाया नहीं हुआ, प्रॉब्लम हो गया। तो ये वाले आप थोड़ा प्रायोरिटी पर रखो। देन अभी लीनियर अरेंजमेंट वाले आप करते ही करते हो, लेकिन क्या करते हो, 6 लोग नॉर्थ 6 लोग साउथ, ये तो आता है। लेकिन इसमें एक कैटेगरी आपको बताता हूँ, 2 कैटेगरी है इसमें, इसमें है कि अनसर्टन नंबर ऑफ पीपल, ये वाले करो, और एक इसमें है 6 फेसिंग नॉर्थ 6 फेसिंग साउथ, ये तो ठीक है, लेकिन मैं बोलूँगा 7 पोजिशंस है, यानी कि इन ईच रो देर इज़ 1 वैकेंट रो, एंड विच वन इज़ अ वैकेंट रो नहीं पता, ढूंढो। पूरा गेम वो इसी पे खेलेंगे, इसी के इर्द गिर्द एडजस्टमेंट बनाएंगे। मैं ये नहीं कहता डिफ़िकल्ट है, लेकिन एग्ज़ाम में जाओगे और आपने प्रैक्टिस नहीं किए तो थोड़ा शॉक लगता है, और इतना टाइम नहीं है हमें कि सीरियल की तरह ऐसे करते रहो, वाह वाह क्या करूँ मैं अभी, इतना टाइम नहीं अपने पास। तो आपको समझना है कि ऐसी चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। देन बॉक्स पजल, देखो बॉक्स पजल ऐसा है ना, दिखने में शॉर्ट दिखता है कि 2 ही वेरिएबल होते हैं, लेकिन कैसे होता है कि कभी कभी उसको बनाने में दिक्कत होती है। और मेरे हिसाब से अगर मैं आपको कहूँ बॉक्स पजल पहले मत करो, 4 पजल आते हैं ना, तो पहले मत करो, बाकी 3 में देखो आपका गेम कहाँ पे सेट हो रहा है। ठीक है, सर्कुलर में मैं एक्सपेक्ट करूँगा आउटवर्ड ही आ जाए, इनवर्ड आउटवर्ड सिंपल आए तो सुभान अल्लाह, नहीं आए तो मैंने पहले बताया इनवर्ड आउटवर्ड पर तैयार रहना। ठीक है, अब ये हो गया पूरी खिचड़ी। अभी आपको एक चीज़ मैं आपको बता के रखता हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है ताकि मैं आपको बहुत सारी इन्फो दे दूँ, देन एक पर्टिकुलर मैं टॉपिक वाइज आप पे लाऊँगा कि मिसलेनियस रीजनिंग या मैथ्स और इंग्लिश में माइंडसेट कैसे होता है, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊँगा। इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा खींच रहा हूँ कि ये तो हो गया टॉपिक वाइज। अभी कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हमने ये सब किया है वो किया है नहीं हो रहा है, फिर भी क्रैक नहीं हो पाते, क्यों? देखो क्रैक नहीं हो पाते इसका एक रीज़न ये है कि आप हमेशा मैं आप पे ब्लेम नहीं करूँगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपनी एक्यूरेसी पे एनालिसिस करना है। आपके जो एक्यूरेट आते हैं वो क्वेश्चन एक्यूरेट क्यों आते हैं, तो अभी आप बोलोगे सही आते इसीलिए आते हैं, लेकिन क्या उसमें आपका पैटर्न है कि एक ही प्रकार के क्वेश्चन आपके राइट जा रहे हैं,
एक ही प्रकार के क्वेश्चन आपके रॉन्ग जा रहे हैं और एक ही प्रकार के आप स्किप कर रहे हो, ये आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। हर दफ़ा मैं कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं करता हूँ, मुझे देख के वो इच्छा ही नहीं होती, ठीक है। तो ये मैंने अपना एरिया बनाया है क्योंकि मैं जानता हूँ अगर बाकी के क्वेश्चंस आए तो मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने अपना वीकनेस ही बता दिया शायद, कंपाउंड एंट्रेंस नहीं करना है, लेकिन वहाँ पे जाके मुझे बताना नहीं है ना, मैं टीचर हूँ, मुझे वहाँ पे जॉब लेना है, एज सिंपल एज दैट। तो मैंने अपना बाकी एरिया स्ट्रांग रखा है, वो टाइम एंड वर्क, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, ट्रेन्स वाले प्रॉब्लम्स, तो वो वहाँ के मैंने एरिया बना के रखा है। ये सब होने के बाद अगर टाइम मिला, हालांकि मिलता तो नहीं है, तो कंपाउंड एंट्रेंस को हाय हेलो बोल के ट्राई करूँगा। लेकिन समझ जाओ इतना सब करने के बाद अगर टाइम मिलता है तो वैसे भी मेरा वो सेक्शन तो हो गया है। आप लोग सेक्शन को जो आपका टाइमर रहेगा उसके हिसाब से खेलो। कुछ स्टूडेंट्स बुक लेते हैं, किसी भी वेबसाइट से देखते हैं, सॉल्व कर दे, बॉस टाइमर लगा, उन्होंने नहीं दिया तो तू खुद अपने घड़ी में लगा। अगर आप इस तरीके से करोगे इवेंचुअली इट विल इनेबल यू, अगर नहीं हुआ तो आपको प्रॉब्लम। आपको मैं बता दूँ कि जब भी आप इस एग्ज़ाम के लिए बैठो या प्रिपेयर कर रहे हो तो एक माइंड सेट आपको बताता हूँ, ऐसे मत करो क्या बोरिंग बजल है। मैं सच्ची बोलता हूँ, एक दो घंटे साइड हो जाओ स्टडी से, बिकॉज इस माइंड सेट से ना नहीं होगा। मेरे लिए ये सब्जेक्ट्स टू बी वेरी ऑनेस्ट स्टडी नहीं है, गेम है, इट्स अ फन फॉर मी। और जब कुछ चीज़ें रोकती है तो उसको सॉल्व करने में और मज़ा आता है। आप इस तरीके से माइंड सेट लोगे तो पढ़ने में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। मुझे पता है एग्ज़ाम में जा रहे हो तो थोड़ा सा डर रहता है, थोड़ा सा मज़ा किरकिरा होता है, लेकिन पढ़ाई 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 ये सब सोच के आगे बढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो थोड़ा सा यार बोर हो रहा हूँ ऐसा ख्याल आएगा, तो वैसा नहीं आना चाहिए। सो मेक श्योर यू एन्जॉय दीज थिंग्स। आपको क्या लगता है टॉपर को क्या सब आता है? आप देखते हो ये टॉपर निकला, वो टॉपर निकला, आप लोग क्या देखते हो टॉपर का क्या क्या हुआ, टॉपर का क्या पढ़ो पता है, उसका वीकनेस क्या था, उसको क्या नहीं आता था या उसने क्या स्किप किया, ये चीज़ें पढ़ो। ऑब्वियस है स्ट्रैटेजी आप पढ़ो कि मैंने क्वांट के लिए ये पढ़ा था वो किया था, लेकिन आपको क्या लगता है उसने 50 में से 50 किए होंगे क्वांट? नहीं, उसने स्किप किए, तो उसका स्किप करने का आर्ट क्या था? आप लोग डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल पे और डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में हो, ऐसे लोगों से कनेक्ट हो, सोशल मीडिया इतना टाइम नहीं लगता अभी कनेक्ट होने को, एंड देयर आर मेनी पीपल आउट देयर हु आर शेयरिंग देयर ओन स्टोरीज, तो उनसे आप कनेक्ट हो सकते हो। क्योंकि ये लोग के पास भी जो मैंने आपको पहले कहा था कंसिस्टेंसी होती है उनके एक्यूरेसी की, जो बना के रखते हैं, तो वो लोग बोलते हैं तू कोई भी बॉल फेंक, मैं डिफेंड करेगा तो छक्का मारेगा पर आउट नहीं होगा। सो दिस इज द वे यू हैव टू प्रिपेयर, ओके। माइंड सेट पॉजिटिव रखो, और मैं बोलूँ एक तरह से बोलूँ IBPS ऐसा होएगा, वैकेंसीज गई तेल लेने उसको मत देखो, मार्केटिंग वालों की ज़्यादा है, HR वालों की कम है, वो सब साइड में रखो। IT वाले मुझे पता है आप थोड़े टेंशन में होंगे, 70 अबाव कट ऑफ जाता है, बट आप अपना गेम चला के रखो, 90-100 होते हैं, 90-100 लिटरली अटेम्प्ट होते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है किस तरीके से आप अप्रोच करोगे। कुछ लोग टेंशन में इतना पजल में घुस जाते हैं कि उसका प्रेशर बाकी के सब्जेक्ट्स में आता है और पूरा कोलैप्स होता है, वैसे मत करो। आप जब आके हर एक एग्ज़ाम के बाद देखते हो ना कट ऑफ क्या जाएगा, ढेर सारे वीडियोस देखते हो, देन प्रोबेबल अटेम्प्ट्स देखते हो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, कोई भी एग्ज़ाम में मैं कहता हूँ, कोई भी ऐसो नहीं, कोई भी एग्ज़ाम में प्री हो या मेंस हो, रीजनिंग और मैथ्स जितने भी अटेम्प्ट करो, जितने भी, सारे के सारे एक्यूरेट होने चाहिए। पुराने बंदे हो तो ये बात आप पहले से जानते हो, क्योंकि इंग्लिश में मैं एक दफ़ा समझ सकता हूँ कि ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में आप वैल्यू कैलकुलेट करते हो, सॉल्व करते हो, तब जाके एक नतीजे पे पहुँचते हो, उसमें अगर मिस्टेक हुई तो आपकी कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम है, तो ब्लेम अपने आप को करो। क्योंकि ये दोनों गेम आपने अगर एक्यूरेसी के साथ के 100% जाते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। सो स्टे काम, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू नो एनी थिंग यू कैन आस्क मी। ग्रुप में भी कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करता रहता हूँ, क्वेश्चन डालते रहता हूँ, तो आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक बस एक काम करना, दुआ में याद रखना। शुक्रिया।